हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमकलपीडिया में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का टॉपिक खत्म हो चुके हैं सारे। आप लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं, सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो गए। अब जो आप लोग बोल रहे थे सीआरए के टॉपिक्स, जो छूटे हुए टॉपिक्स थे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के, उसे कवर करने के लिए तो उसके भी वीडियो आज से स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से जल्दी सारे कवर हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। बाकी जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका भी जस्ट से जस्ट हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज जो देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, वो हम देखने वाले हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैटलिस्ट करके टॉपिक है जो आपके सीआरई में है। उसको आज हम देखने वाले हैं कि सीआरई में आपने क्या क्या है। इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे सीआरई के, कैटलिसिस क्या होता है, कैटलिसिस प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, कैटलिस्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप ऑफ कैटलिस्ट कितने तरीके से कैटलिस्ट होते हैं उनके तरीके बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट कितने टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं कैटलिस्ट को उनके बारे में भी बात करेंगे, और लास्ट में जैसा आप जानते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड स्किल टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरा। तो पूरा बने रहेगा, पूरा एक एक डाउट क्लियर होगा इस टॉपिक में। जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा मैं पहले बता रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछें, मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या अपना फंडा है। तो जैसा इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि कैटलिसिस का क्या है, ऐसा बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसे पता चला, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा कि बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट हैं, बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1936 में लेबोरेटरी में एक ऐसा पता किया कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन में जब इन्वॉल्व होता है तो उस केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स ही चेंज कर देता है, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ही बदल देता है। हो सकता है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन डिक्रीज कर देता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है या घटा देता है, ऐसा उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में। इनका नाम था बर्जीलियस ने 1936 में। क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन की बात थी कि कैसे लेबोरेटरी में पता हुआ। अब हम बात करेंगे कि कैटलिसिस प्रोसेस क्या है। तो कैटलिसिस प्रोसेस उन्होंने क्या बोला कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान सुनेगा, जब किसी केमिकल रिएक्शन में हम कोई ऐसा सब्सटेंस इंक्लूड करते हैं जो उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज, मींस उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है या घटा देता है, तो ये जो पूरा फिनोमिना है उसको बोलते हैं कैटलिसिस। कैटलिसिस इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं कैटलिसिस। ये पूरा टॉपिक्स आपको समझने वाला टॉपिक्स है, ज्यादा मैं कोई नोट डाउन नहीं करूंगा इधर। जो चीज आपको समझ नहीं आएगा वो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अभी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, जितना टॉपिक मैं बोल दूंगा आप उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करें कैटलिसिस क्या, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सब्सटेंस जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है कि उसके वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो ये पूरा जो फिनोमिना हो रहा है उसे उन्होंने बोला कैटलिसिस। अगर डिफिनेशन आपसे पूछता है एग्जाम में तो आप ये इसको बोल सकते हैं। तो कैटलिसिस की हमने बात कर लिया, इंट्रोडक्शन बात कर लिया, अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के बारे में हम लोग बात कर लें। कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे, कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो कैटलिस्ट की अगर जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप बुक में भी बहुत बार पढ़े होंगे, क्लास 9th 10th में भी पढ़े होंगे, कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, बट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये जो अपना कैटलिस्ट था उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप नोट डाउन करना चाहें कर लीजिएगा। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने पर उस केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, बट रिएक्शन खत्म होने के बाद उस कैटलिस्ट में कोई केमिकल चेंज नहीं होती, मतलब वो कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में आफ्टर ऑल, ठीक है। ये कहने का मतलब है कैटलिस्ट की डिफिनेशन में। अब हमने बात किया कि केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, हाँ केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं होगी। अगर मान लेते हैं हम मॉलिब्डेनम हमने किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व किया, ठीक है ना, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो मॉलिब्डेनम ही हमें मिलेगा, इसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। बट हो सकता है उसका फिजिकल चेंजिंग हो सकता है, फिजिकल चेंजिंग हो सकता है। जैसे सपोज डेट करो कि आपने जो कैटलिस्ट यूज किया रिएक्शन में वो ग्रेनुलर फॉर्म है,
मतलब दाने के फॉर्म में यूज किया, हो सकता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में मिले आपको, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कभी 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 क्या होता है आपने पाउडर फॉर्म में कैटलिस्ट यूज किया, हो सकता है वो ग्रेनुलर लम्स के फॉर्म में आपको मिले। तो ये फिजिकल चेंजिंग आपको हो सकती है, बट आप ये समझे केमिकल चेंजिंग नहीं होती उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था मोस्टली कैटलिस्ट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो अब हम बात करेंगे, ये तो हमने कैटलिस्ट देख लिया, अब कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं उन पे भी हम लोग ध्यान दे लें थोड़ा। टाइप ऑफ कैटलिस्ट, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आप वहां पे बताइएगा क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है। टाइप ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। आप पूरा पॉजिटिव लिखिएगा निगेटिव लिखिए, ठीक ना, दोनों सही है। निगेटिव कैटलिस्ट ये टू टाइप्स के होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर से इसको इरेज करके फिर से नोट डाउन करूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मैं अब ऊपर लिखता हूं, ऊपर मैं इधर मिटा के लिखता हूं कि कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि कौन से पॉजिटिव कैटलिस्ट बोले जाते हैं और कौन से निगेटिव कैटलिस्ट। ध्यान से सुनिएगा, बस सुनने की ये आज क्लास है इसका। पहले हम बात कर लें पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट आप समझिए क्या होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव मतलब आप समझ सकते हैं ना किसी चीज को बढ़ाना। तो ये जो कैटलिस्ट है जब आप रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं उसको, तो उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है या वेलोसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में सारे लेक्चर में आपको बताया हुआ हूं। दूसरा क्या है हमारे पास, निगेटिव कैटलिस्ट। कुछ भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में आइएगा। निगेटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जब हम रिएक्शन में इन्हें इन्वॉल्व करते हैं तो ये जो रिएक्शन की वेलोसिटी होती है उसे डिक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन वेलोसिटी को घटा देते हैं, रिएक्शन की वेलोसिटी को घटा देते हैं, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डाउन हो जाता है, मतलब धीरे धीरे रिएक्शन होता है। इसमें क्या हुआ था, जब हमने इन्वॉल्व किया था तो रिएक्शन जो था रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ने लगा था, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपका है। अब हम बात करेंगे अपना क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं उसको, अपना फिफ्थ नंबर पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसे क्लासिफाई किया गया कैटलिस्ट को, उसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या होगा, इसको टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है, इसको भी टू टाइप से क्लासिफाई किया गया। नंबर एक होमोजीनियस होता है, और दूसरा क्या अपना हेटरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटरोजीनियस ये टू टाइप से आपके क्लासिफाई किए गए, हम एक एक करके बात करेंगे होमोजीनियस क्या है अपना और हेटरोजीनियस अपना क्या है कैटालिसिस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस के बारे में। होमोजीनियस की बात कर लें तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, पहले आप समझो होमोजीनियस रिएक्शन क्या होते हैं। होमोजीनियस रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट यूज किए गए हैं उन दोनों की जो फिजिकल फेज है वो सेम होनी चाहिए। जैसे फिजिकल फेज मीन्स अगर कोई नाइट्रोजन हम ले रहे हैं और हाइड्रोजन ले रहे हैं, दोनों है ना, तो ये भी गैस फॉर्म में होना चाहिए, ये भी गैस फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई और चीज लेते हैं सॉलिड, तो ये भी सॉलिड, लिक्विड तो ये भी लिक्विड, ठीक है ना, समझना। मतलब होमोजीनियस उसे बोलते हैं जिसमें दोनों जो रिएक्टेंट है उनकी फेज सेम होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ क्या बात करते हैं, होमोजीनियस कैटलिसिस या कैटलिस्ट हम बात कर रहे हैं। तो इधर हम क्या बोलेंगे, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों की फेज सेम होती है उसे बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस, ओके ना। मीन्स आप लिखिए रिएक्टेंट
रिएक्टेंट एंड अपना क्या है कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ फेज सेम, मतलब जहां रिएक्टेंट एंड अपना कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम होता है उसे बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक है ना। होमोजेनियस रिएक्शन मोस्टली आपके गैस फेज में एंड लिक्विड फेज में आपको पाया जाता है, लिक्विड या इसको आप सोल्यूशन बोल सकते हैं, सोल्यूशन। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बाद में मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है। अब हम बात कर ले सबसे पहले गैस फेज में कौन सी रिएक्शन होती है और लिक्विड फेज में कौन सी रिएक्शन होती है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में या इंटरव्यूअर को आप रिएक्शन के थ्रू बताते हैं ना तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले गैस का, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया होमोजीनियस में दोनों को फेज सेम होने चाहिए, ये रिएक्शन मोस्टली गैस एंड लिक्विड फेज में पाया जाता है। तो पहले गैस का देख लेते हैं फिर हम लिक्विड का देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 का एक हमारे पास एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है SO3। इसमें जो कैटलिस्ट है वो NO नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमें बाद में मिल जाता है। ओके, अपना ये SO2 किस फेज में है, गैस फेज में, ऑक्सीजन किस फेज में है, गैस फेज में, NO किस फेज में, गैस फेज में। समझ में आ रहा है, होमोजीनियस मतलब जो रिएक्टेंट है उनकी फेज सेम और कैटलिस्ट उसकी फेज सेम, इसे बोलते हैं होमोजीनियस। अब थोड़ा लिक्विड की बात कर लें, जो मैंने बताया था लिक्विड में क्या होता है, आपने शुगर देखा ना C12H22O11, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है C6H12O6 प्लस सेम यही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज C6H12O6 प्लस हमारे इसके साथ क्या मिल जाता है आपका H2SO4। अब कहोगे सर H2SO4 क्या है, क्योंकि यहाँ हमने कैटलिस्ट यूज किया था H2SO4। यहाँ देखो ये भी लिक्विड H2SO4 आल्सो लिक्विड, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया ना यहाँ तक, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, अब उसके बाद हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस के बारे में। चलिए ठीक है, मैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हेट्रोजीनियस क्या है। कहीं भी आपको डाउट आएगा आप तुरंत पूछिएगा, ये आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का बनने वाला है। चलिए अब देखते हैं अपना हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आया ना पूरा टॉपिक्स, आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। अब देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या बोलता है, वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है उन दोनों का फेज डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब चेंज हो, मतलब जो रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ फेज आर डिफरेंट। ओके, मीन्स इसमें जो रिएक्टेंट अगर मान लो सॉलिड में है तो हमारा जो हमारा कैटलिस्ट होगा वो गैस में होगा या लिक्विड फेज में होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल कहाँ से देखेंगे आप, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। आपने सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो इसमें जो यूज करते हैं V2O5, तो हमारा क्या बनता है SO3, ठीक है, प्लस V2O5 हमारे इधर से मिल जाता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन पढ़ते थे, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने पढ़ा ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता था, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराते थे तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता था। इधर ये हमारा गैस फेज में था, ये भी हमारा गैस फेज में था, ठीक है ना, ये V2O5 हमारा सॉलिड फेज में था, तो यहां चेंज हो गया ना, गैस को सॉलिड से रिएक्ट करवाएं तो हमें जो रिएक्शन मिला उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम एक नाम से और बोलते हैं कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कैटालिसिस, कांस्टेंट कैट, और एक दूसरा नाम भी इसका जो बहुत फेमस है उसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कैटालिसिस। इसका नाम ज्यादा यूज लोग नहीं करते हैं बट इसका नाम मोस्टली यूज किया जाता है, इसे
कांटेक्ट कैटालिसिस भी बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है, जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं। जैसा आपने फ्लूडाइड बेड रिएक्टर में पढ़ा होगा, मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है उसका, उधर देखिएगा। फ्लूडाइड बेड रिएक्टर में क्या होता है, कैटलिस्ट एंड जो रिएक्टेंट है दोनों आपस में मिक्स होते हैं, फिर रिएक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज में आपको सारी चीज समझ में आ गई हो। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जो कुछ भी नहीं समझ में आया मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आप जरूर पूछिए, उसमें डाउट मत करिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। देखते हैं अपना इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन, नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। फर्स्ट नंबर पूछता है इसमें कि कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट क्यों जरूरी है, मतलब जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट की जरूरत है तो कैटलिस्ट क्या करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा दोनों सकता है, ठीक है ना। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं सारे फेज बताऊंगा कि कौन सा कैटलिस्ट बढ़ाता है रिएक्शन को, कौन सा घटाता है, कौन सा हमारा कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, कौन सा हमारा प्रमोटर है, कौन सा, बहुत सारे रिएक्शन है उसको बताएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा जो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैटलिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव टाइप्स, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, तो आपको बताना है पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये टू टाइप्स के पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कैटलिस्ट कितने फेज में हो सकते हैं, कितने फेज में कैटलिस्ट पाए जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं थ्री फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फेज में वो पाए जाते हैं। अब क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा कैटलिस्ट से कि जो कोई भी रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, मीन्स कैटलिस्ट किस किस चीज पर डिपेंडेंट करता है। तो कैटलिस्ट जो मोस्टली होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंसी, कैटलिस्ट किस पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तो मोस्टली आपके हो गए इंटरव्यू में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। जो कुछ भी आपको डाउट अभी भी आ रहा है, उम्मीद करता हूँ नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी एक दिन में मैं अपलोड कर दूंगा जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है। तीन वीडियो हैं कैटलिस्ट में, तीनों आप जल्दी से देख के उसे खत्म करिए ताकि एग्जाम में आपके कम से कम 5 नंबर इससे सिक्योर है आपके, और इंटरव्यू में तो बोल ही नहीं सकते। उसके बाद आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू।